आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से हटाए जाने की वजहों को अब सार्वजनिक कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पार्टी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने लोगों को चंदा देने के लिए मना किया, साथ ही पार्टी को हराने की भी उन्होंने कोशिश की। और इतना ही नहीं, आपकी तारीफ तरफ से कहा गया है कि योगेंद्र यादव ने केजरीवाल की छवि भी खराब करने की लगातार कोशिशें की। 4 मार्च को जो सबका सामूहिक फैसला था उसको सबने ना मान के और अलग अलग बयानबाजी की, जिससे गलतफहमी पैदा हो रही थी, इसलिए पार्टी का आधिकारिक बयान आज जारी किया गया। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला लेने के लिए एक अधिकृत बॉडी है पार्टी के अंदर, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ही फैसला लिया है। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ये सारे बिंदु और मामले आए थे और उसके बाद कुछ तय हुआ है। क्या अब इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये कहने का अधिकार मुझे बिल्कुल नहीं है, उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला लेती है किसको रखना है, किसको बाहर करना है, तो उसके बारे में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला लेगी। जिस प्रकार से